हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चिटचैट विद नीलम में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत से फूलों वाला प्लांट और बहुत ही खुशबू जिसमें बहुत अच्छी आती है ऐसे प्लांट के बारे में, जिसका कि नाम है मोगरा यानी कि जैस्मिन। तो मोगरा के बारे में आज हम लोग जानते हैं, इसकी कैसे देखभाल करनी है और इसके प्लांट से हमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने हैं। तो ये वाला जो प्लांट होता है मोगरा का, इसमें भी कई तरीके की वैरायटी होती हैं। इसमें भी जो फूल आते हैं वो सिंगल पेटल या डबल पेटल के आते हैं। जैसे कि मेरा ये जो है, देखो इसमें डबल पेटल है, ये फ्लावर के पेटल्स हैं, ये गोल गोल हैं। और एक इसमें आता है, उसकी जो पेटल्स होती है ना वो लंबी लंबी होती हैं थोड़ी सी। तो ये जो मोगरा का प्लांट है ये पूरे साल चलता है और फ्लावरिंग जो है ये गर्मियों में बहुत अच्छी देता है, बरसात के सीज़न तक या उससे भी आगे तक जाके इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। और खुशबू तो इसकी बेहद मनमोहक होती ही है, खुशबू के लिए तो हम लोग इसको लगाते हैं। और फूल भी देखो कितने खूबसूरत होते हैं, इसके छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद फूल इसके बहुत ही प्यारे लगते हैं। और भीनी भीनी खुशबू जहाँ इसको लगा दो, अगर 4-5 प्लांट आपने लगा रखे हैं और सब में फ्लावरिंग हो रखी है तो आसपास का वातावरण जो होता है पूरा ही खुशबू से महक उठता है। जानते हैं कि इसकी हमें केयर कैसे करनी है, क्योंकि कई लोग होते हैं उनका कहना होता है कि जो हमारा मोगरा है उस पर ना 1-2 या 2-4 ही फूल आते हैं, काफ़ी सारे फूल नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि हम अपने मोगरा की कैसे केयर करें कि हमारे वाले मोगरा प्लांट पर अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसको हमें कहाँ पर प्लेस करना है, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इसकी जो लोकेशन है हमारे मोगरा प्लांट की, ये समर का प्लांट है, तो समर का प्लांट होने के कारण इसको धूप भी अच्छी चाहिए। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको धूप तो पसंद होती है, उनको आपने कम से कम 4-5 घंटे तो धूप मिलनी ही चाहिए उन प्लांट्स को। और इसके अलावा जो पॉट में लगाते हैं तो इसके लिए पॉट भी हम मिट्टी का या सीमेंट का पॉट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो इसके लिए अच्छा रहता है। मेरा भी देखो ये सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है प्लांट, और ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है प्लांट। और जबकि ये कोई बहुत पुराना प्लांट नहीं है, ये मेरा प्लांट होगा ये 4-5 महीने पुराना ही प्लांट है, बस ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है ये। और ये देखिए इसकी लीफ भी कितनी सुंदर चमकदार लीफ है, और फ्लावरिंग भी देखो कितनी अच्छे से हो रही है। और इसकी हर उस पर देख लो आप, हर ब्रांच पे बर्ड्स आई हुई हैं, ये देखो। ये वाला जो प्लांट है अच्छी फ्लावरिंग देता है, तो इसकी जो मिट्टी हमें तैयार करनी है वो भी रिच सॉइल हमें तैयार करनी है, जैसे सॉइल सैंड और उसमें सड़े हुए गोबर की खाद, कोकोपीट, और उसमें थोड़ी सी नीम खली ऐड कर देंगे। नीम खली हम लोग इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि नीम खली जो होती है वो इंसेक्टिसाइड का काम करती है। और इसकी सॉफ्ट सी अच्छी सी मिट्टी तैयार कर लेंगे, वेल ड्रेन, तो उसमें अगर हम जो हम ये अपना प्लांट लगाएंगे तो ये हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वाटरिंग देखा जाए इसकी फ्रेंड्स, तो वाटरिंग हमें इसमें दोनों टाइम करनी है, सुबह और शाम को। मिट्टी जो है हमारी वो मॉइस्ट है, ये देखिए इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट है, ऐसी नहीं रखनी है कि बिल्कुल ही गीली गीली सी है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ नहीं रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं रखना है कि मिट्टी इसकी बिल्कुल ही सूख जाए। तो मॉइस्ट मिट्टी इसको पसंद होती है, तो वाटरिंग इसको ध्यान से करना है। और फर्टिलाइज़र, हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो इसको फर्टिलाइज़र भी हैवी हमें देना है। हैवी का मतलब जो प्लांट हमें अच्छे फ्लावर्स दे रहा है तो उसको फर्टिलाइज़ भी हमें अच्छे से ही करना होता है। जैसे कि हम इसको मंथली जो है वर्मी कंपोस्ट या बहुत अच्छी तरीके से सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है वो वंस इन अ मंथ हम इसको दे सकते हैं। और सड़े हुए गोबर की खाद अगर नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और इसको वीकली जो है हर हफ्ते हम लोग इसको वो दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, जो कंपोस्ट ही बनती है, वर्मी कंपोस्ट, सड़े हुए गोबर की खाद, नीम खली, इसमें जो हम चीज़ें ऐड करते हैं वो चीज़ें मिला के जो हम लोग तैयार करते हैं लिक्विड, वो वाली दे सकते हैं। या फिर हम इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र जो होता है लिक्विड तैयार करके या पाउडर बना के उसका और पानी में मिक्स करके जो देते हैं, तो वो वाला फर्टिलाइज़र इसको बहुत पसंद होता है। बनाना पील फर्टिलाइज़र इसमें बहुत ही अच्छे से काम करता है। और गुड़ाई का ध्यान रखना है कि गमले की जो मिट्टी है वो हार्ड ना हो। मेरा भी जो ये पॉट है इसकी मिट्टी भी देखो गुड़ाई मांग रही है, इसकी मिट्टी भी देखो, इसकी टॉप सॉइल जो है वो थोड़ी सी
हार्ड हार्ड सी लग रही है तो ये भी अब गुड़ाई मांग रहा है, तो गुड़ाई करते रहें, इसमें फर्टिलाइज करते रहें इसको टाइम टू टाइम, तो ये प्लांट हमारा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग देता रहता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए कि हम जब प्रूनिंग करते हैं तो हमारे प्लांट्स जो है वो अच्छे से फ्लावरिंग देते हैं। अब ये देखो, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो बैच के रूप में आते हैं, जैसे कि फ्लावर्स आने शुरू हुए तो सारे फ्लावर्स एक साथ आएंगे, जितने भी बर्ड्स हैं ये दो चार दिन में जो भी है ये सारी की सारी एक एक करके खिल जाएंगी और सारे फ्लावर्स का जो है पूरा बैच आ जाएगा, फिर एक एक करके इसके फ्लावर्स स्पेंट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे ये हो रहे हैं ना, ये तो जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो हटाते जाएंगे, जैसे ये है देखो, ये फ्लावर्स हटा देंगे इसके। और इसके अलावा भी जब ये सारी कलियाँ खिल जाएंगी तो हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से, जैसे ये हमारा फ्लावर है तो ये दो लीफ दिख रही हैं इसके नीचे से, यहाँ से हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। जब सारे फ्लावर्स खिल जाएंगे तब हम स्पेंट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसकी यहाँ से प्रूनिंग कर देंगे और उस समय फिर हमारा प्लांट जो है एक बार फिर से सारे इसके फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो केवल प्रूनिंग करके हम प्लांट को अपने ऐसे ही छोड़ देंगे। और उस समय फिर हमें क्या करना है, इसमें गुड़ाई करके अच्छे से हम इसको फर्टिलाइज़ कर देंगे, इसमें सड़े हुए गोबर की खाद या थोड़ा सा डेढ़ दो मुट्ठी के करीब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट दे देंगे, तो क्या होगा, ये प्लांट जो हमारा है फिर से तैयार हो जाएगा फ्लावरिंग देने के लिए। और नेक्स्ट टाइम फिर इसमें अच्छा सा फ्लावर्स का बैच आ जाएगा, जो यहाँ पे हम इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ पे फिर से शूट्स आएंगी नई नई और उसमें बडिंग्स आएंगी, और बड्स आने के बाद फिर से हमारे प्लांट में एक नया फूलों का बैच आ जाएगा। तो इसमें ऐसे ही होता है कि पूरा का पूरा बैच आता है, और जब बैच ख़त्म हो जाता है उसके बाद प्लांट कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है और दोबारा फिर फ्लावर्स का बैच देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम लोग इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे ना, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, जैसे ये देखो, ये हैं बड्स हैं, यहाँ पे फ्लावर आया हुआ है और फ्लावर स्पेंट होके निकल गया है, हट गया है, तो ये देखो ये चीज़ दिख रही है ना। अब ये वाले भी जब फूल खिल जाएंगे उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा। फिर अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, इस पर फूल नहीं आएगा फिर, तो जो प्रूनिंग है इसकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस अपने इस प्लांट पर अच्छे से फ्लावर्स पा सकेंगे। और प्रूनिंग करने के बाद हमारी हर ब्रांच पे कुछ टाइम बाद फिर से फ्लावरिंग आएगी, और फ्लावरिंग के साथ साथ मनमोहक सी खुशबू भी। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपनी आज की वीडियो का। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो मोगरा प्लांट के बारे में तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।